Hello students, welcome to our DSS online classes. I am Sarita Tiwari, your maths teacher for this session. Lesson start करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूँ. जैसे कि मैं आपको maths पढ़ाऊँगी और ये classes online चलेंगी. उसके लिए आप maths की copy तैयार करेंगे. आपको copy थोड़ी बड़ी बनानी है, जो register जैसी होती है, थोड़ी long copy, जिसे हम long copy कहते हैं. मैथ्स की कॉपी आपको लॉन्ग कॉपी बनानी है. कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका जो ये फर्स्ट कवर पेज है ये टाइट हो. आप ये लूज पेपर वाली भी लॉन्ग कॉपी बना सकते हैं. जैसे ये कॉपी है, आपको दिख रही है. आप क्या करेंगे, जब मैं आपको लेसन के क्वेश्चन सॉल्व करके भेजूंगी या उसके पीडीएफ जो भेजूंगी आपको, जो रोज भेजूंगी, आप रोज उसको डेली आप उसको कंप्लीट करेंगे. आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए. और जब भी सबमिशन की डेट आएगी कॉपी की, आपको हम बताएंगे तो आप कॉपी सबमिट करेंगे, हम आपको कॉपी चेक करके भेजेंगे. पीडीएफ पे मैं आपके आपको आसान पड़े इसके लिए मैं आपके पेज नंबर मेंशन कर दिया करूँगी कि पेज नंबर 1, 2, 3, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कॉपी को कंप्लीट करेंगे. कॉपी आपको हमेशा कंप्लीट रखनी है. कभी भी जब कॉपी चेक करने की डेट आएगी हम आपसे कॉपी मांगेंगे तो आपको कॉपी सबमिट करनी होगी. ठीक है, इस तरह की आप कॉपी बनाएंगे, लॉन्ग कॉपी. ठीक है, तो आज हम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 1 एंड द नेम ऑफ द लेसन द फिश टेल. जैसे कि चैप्टर है, चैप्टर में ज्यादातर कहानी है पूरी. उसके बीच में क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और उसके वीडियो बनाकर मैं आपको भेजूंगी और रिटर्न वर्क भी तैयार करके मैं आपको भेजूंगी. तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलाज को लर्न कर लेते हैं जो कि हमको हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. ठीक है, फॉर्मूलाज. फर्स्ट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वी हैव टू, इफ वी हैव टू फाइंड आउट स्पीड वी विल यूज दिस फॉर्मूला. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे, अगर स्पीड फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया होगा और टाइम भी दिया होगा और हमको स्पीड फाइंड आउट करनी होगी. तो स्पीड अपॉन टाइम हम फॉर्मूला यूज करेंगे. डिस्टेंस की जगह हम डिस्टेंस रखेंगे और टाइम की जगह टाइम करके हम डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमको स्पीड पता चल जाएगा. ठीक है, जो ये फॉर्मूला हम लर्न करेंगे इसको कैसे अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है ये हम देखते हैं. चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन 1, फिशरमैन ट्रेवल इन लॉग बोट अबाउट 4 किलोमीटर इन पर. जो फिशरमैन है ट्रेवल इन लॉग बोट अबाउट 4 किलोमीटर इन पर. जो फिशरमैन है वो लॉग बोट पर ट्रेवल करते हैं और वो कितना चलते हैं, 4 किलोमीटर इन पर आवर चलते हैं, यानी एक घंटे में वो 4 किलोमीटर लॉन्ग बोट से ट्रेवल करते हैं. तो क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. यानी वो 10 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लेंगे. तो हमको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है. हमारे पास स्पीड है 4 किलोमीटर इन पर आवर और डिस्टेंस है 10 किलोमीटर. तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, टाइम. तो पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, स्पीड लिख लेते हैं.
स्पीड। स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। फिर हम फाइंड आउट डिस्टेंस कितना है? 10 अपॉन स्पीड कितनी है? 4। हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं 10 अपॉन 4 को, और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ठीक, तो ये हो गया हमारा 5 अपॉन 2। हमने इसको सिंपलीफाई किया, 2 से डिवाइड किया, जिस नंबर से हम नीचे वाला नंबर डिवाइड करेंगे उसी नंबर से हमको ऊपर वाला नंबर को भी डिवाइड करना है, तो हम ऐसा नंबर लेंगे जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो सके। तो हमने 2 लिया है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब क्या बना हमारा इक्वेशन? 5 अपॉन 2। तो 2 को हम 4 5 में डिवाइड करके ऐसे देख लेते हैं, 2 5, 2 2 जा 4 बचा 1। तो इसको सॉल्व किया तो हमारा हुआ 2 1 अपॉन 2, 2 होल 1 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया? 2 एंड हाफ। तो हमारा टाइम कितना है? 2 एंड हाफ। ठीक है, हमने फॉर्मूला लर्न कर रखा है, इसीलिए हमको क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इजी हो गया है। टाइम फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन था हमारा हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर जाने के लिए वो कितना टाइम लेंगे, और हमारे पास जो उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर इन पर आवर। मान लीजिए एक आदमी 4 किलोमीटर इन पर आवर जाए।